नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीपीएससी पेपर लीक कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बीपीएससी TRE3 पेपर लीक मामले में ईओयू की टीम ने बड़ा खुलासा किया है। ईओयू ने अपनी जांच में पाया है कि बार कोडिंग के पहले ही पेपर लीक कर दिया गया था। ईओयू सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हजारीबाग में छापेमारी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच में ये बात सामने आई है। तो जानकारी के मुताबिक लीक हुए प्रश्न पत्र पर बार कोडिंग या सुरक्षा कोड नहीं थे, यानी प्रेस में छपने से पहले ही प्रश्न पत्र आउट हो गए थे। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक बिना बार कोडिंग वाले प्रश्न पत्र के पहले पेन ड्राइव में निकाला गया, जिसके बाद उसे प्रिंट करके अभ्यर्थियों को दिया गया था। तो फिलहाल ईओयू एडीजी के स्तर पर गठित एसआईटी इस पूरे मामले की गहन जांच करने में जुटी हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रश्न पत्र की, जो पहले लीक हो चुका है। और उस प्रश्न पत्र की तस्वीरों को देखकर आप समझ पाएंगे। बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र प्रिंट होने से पहले ही लीक हो चुका था। और जिस तरीके से तस्वीरों में नजर भी आ रहा है, किसे साफ दिख रहा है कि प्रिंटिंग में जाने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो चुके थे। ये बड़ा खुलासा ईओयू की टीम ने की है। शिक्षक भर्ती पेपर लीक का ये मामला और पेपर लीक करने का मास्टरमाइंड विशाल चौरसिया सचिवालय के ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत है। चौरसिया 17 मार्च को ही न्यूज 18 ने खुलासा कर दिया था। तो मास्टरमाइंड के नाम का खुलासा वैशाली का रहने वाला है विशाल चौरसिया। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक के साथ बीपीएससी के कुछ स्टाफ भी शक के दायरे में हैं। ईओयू ने इन सभी से पूछताछ शुरू भी की है और बहुत लोगों से भी पूछताछ की जानी है, जिससे कई जानकारी जुटाई जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मास्टरमाइंड का खुलासा हो गया है। मास्टरमाइंड के नाम का खुलासा हुआ है, विशाल चौरसिया बताया जा रहा है, जो वैशाली का रहने वाला है। और शिक्षक भर्ती पेपर लीक का यह मामला, आपको बता दें सिपाही भर्ती पेपर लीक वाला गिरोह, सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक करने वाले गिरोह ने ही शिक्षक बहाली परीक्षा का पेपर लीक किया है। ये जानकारी सामने आ रही है। और गिरोह ने 500 अभ्यर्थियों से संपर्क साधा था। करीब 10-10 लाख रुपए परीक्षा में सफलता दिलाने का ठेका लिया गया था। संवाददाता संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, ये बड़ा खुलासा हुआ है, कहीं ना कहीं सिपाही भर्ती परीक्षा से भी इसके लिंक जोड़ के देखे जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर सिपाही अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। और खुलासा ये है कि जिस गिरोह ने सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक किया था, उसी गिरोह ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक कर दिया। और जो मास्टरमाइंड है पटना सचिवालय में पोस्टेड है, फिलहाल सस्पेंड है वो ग्रामीण कार्य विभाग में, और उसका नाम भी विशाल चौरसिया है, जो वैशाली का रहने वाला है। 17 मार्च को ही न्यूज 18 ने इस खबर को चलाया था सुबह 10 बजे के बुलेटिन में कि मास्टरमाइंड चौरसिया है और वो सचिवालय में पोस्टेड है। आखिरकार न्यूज 18 की खबर पर पुष्टि हुई है। और जो जानकारी मिली है, जो विशाल चौरसिया है, कई परीक्षाओं का जो है पेपर लीक करता था, और ओडिशा एसएससी जो जूनियर इंजीनियर का एग्जाम है, इसका भी इसने पेपर लीक किया था। इसको पटना से ओडिशा पुलिस गिरफ्तार कर ले गई थी, ओडिशा जेल में ये बंद था। और वहां से छूटने के बाद जब ये पटना आया था, तो इसी दौरान जो ये शिक्षक बहाली की परीक्षा चल रही थी, तो उसने संपर्क साधा कई लोगों से, और इसके सहयोग में कई लोग सामने आए। और सबसे बड़ी बात है कि कौशिक कर जो जहां प्रिंटिंग जिस प्रिंटिंग प्रेस में सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र छपा था, वो कौशिक कर जो मालिक है, उसके संपर्क में भी आ गया। और उसी प्रिंटिंग प्रेस में, ना केवल गिरोह ने इस प्रश्न पत्र को लिख लिया है, बल्कि उसी प्रिंटिंग प्रेस में जहां से सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र जो छपा था, उसी प्रिंटिंग प्रेस में शिक्षक भर्ती बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र वो छपा। तो ऐसे में ये सारा जो गिरोह है उसी से रिलेटेड है, सिपाही भर्ती परीक्षा में इन्वॉल्व था। हाँ, ये बात सही है कि जो विशाल शर्मा की गिरफ्तारी हुई है पटना से, तो उसके पास से जो पेन ड्राइव मिला था उसमें। तो संजय, क्या प्रिंटिंग प्रेस के मालिक से पूछताछ की गई है अभी तक? देखिए, अभी इसमें और कई गिरफ्तारियां होंगी, बीपीएससी से लेकर जो माफिया तत्व है उसमें, प्रिंटिंग प्रेस के मालिक, सभी शक के दायरे में, और इन सभी से पूछताछ होगी। अभी तो एसआईटी का गठन ही हुआ है विशाल शर्मा के नेतृत्व में, लगातार कार्रवाई चल रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में निश्चित तौर पर कई लोग गिरफ्त में आएंगे और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जी,
बिल्कुल संजय, लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि जब सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था उस वक्त वो कार्रवाई नहीं की गई, और देखिए इनकी हिम्मत कि अब शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा के पेपर लीक कर दिए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर यही तो लूप होल है। देखिए ना, सिपाही भर्ती परीक्षा में जिस तरीके से खामियां उजागर हुई थी उससे भी सबक नहीं लिया गया, और उसी प्रिंटिंग प्रेस में उसी गिरोह ने जो सिपाही भर्ती परीक्षा के पेपर लीक किया था। और सबसे बड़ी बात है कि जो अब तक की जानकारी है 500 से भी अधिक अभ्यर्थियों से 10-10 लाख का डील किया गया था, 50 करोड़ तक का ये मामला है, जिसमें आधे पैसे की उगाही जो है वो भी की जा चुकी है। तो कई चौकान वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में बीपीएससी और ईओयू अब दोनों आमने सामने है। ईओयू का प्रबल दावा है कि जो पेपर है वो लीक हुआ था। अब देखना होगा इस पूरे मामले में बीपीएससी किस तरह का रुख अपनाता है, क्योंकि बीपीएससी के भी कुछ कर्मी शक के दायरे में है और उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इस बात की पक्की जानकारी जो है वो मिलेगी। ठीक है, ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।